आज का वीलॉग एक्सरसाइज के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, आपने पार्ट वन भी देखा था, ये पार्ट टू है और पार्ट टू में हम ये शेयर करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, इन तमाम बातों का जवाब जो है वो आज के वीलॉग में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। लेकिन आपको तो आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट, जिस सेगमेंट में आपको हमारा साथ है वो है doctee.com और doctee.com में हम एक्सरसाइज के बारे से बात करने जा रहे हैं। मिलते हैं तो हेना से और जानते हैं आज ये हमें क्या बता रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हेना, आज क्या बताएंगे एक्सरसाइज के हवाले से कि भाई ये जो एक सवाल होता है ना, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी करनी चाहिए, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, सुबह करें रात करें कि शाम में करें, क्या करें पड़ेगा। एक्सरसाइजेस जो है वो जरूर करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो रिकमेंड करते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि 30 मिनट्स एक्सरसाइज रोजाना करनी जरूरी है। अगर रोजाना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक आपको जरूर करनी चाहिए। और unless or until you have some medical or obstetrical complication, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो आप अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लेंगे एंड उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और जहाँ तक टाइमिंग्स और एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जिसमें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एक्सरसाइज उतनी करें जितना आप हैप्पीली कर सकते। It should be a pleasurable event. It should not exhaust you, or it should not dehydrate you. और इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि आप breathless हो जाएं। आप उतना करें जितना आप enjoy करके कर सकें और pleasurably कर सकें। And उसके लिए सबसे the most important thing before starting any exercises, you should wear very comfortable clothes. आपके कपड़े बहुत ज़्यादा loose और comfortable होने चाहिए, और कोई बहुत ज़्यादा आपको ब्रांडेड ट्रैक सूट्स और जॉगर्स और सब चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं है। वेयर इन व्हाट यू फील कंफर्टेबल, इट कैन बी सिंपल पजामास जैसे आप घर में पहने हुए होते हैं, और कोई भी लूज क्लोथिंग हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। एंड सेकेंडली, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा हाइड्रेटेड रखें, आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, वैसे भी वो अच्छा है बहुत ज़्यादा, और पानी अगर आप ज़्यादा पीते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, तो उससे ये है कि आप बहुत जल्दी फटीग नहीं होते, आपके मसल्स जो हैं बहुत जल्दी टायर नहीं होते, और आप काफ़ी देर तक उनको आप कुछ देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। नंबर 3 इज कि आप अपना खाना कम से कम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से 1 घंटा पहले खा के फारग हो चुके हों, क्योंकि खाना खाने के फौरन बाद एक्सरसाइज करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। आप कम से कम 1 घंटा पहले खाना खा के फारग हो चुके हों, आपका खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट हो गया हो, और इस खाना एक्सरसाइज करने के फौरन बाद आपने खाना नहीं खाना कम से कम 1 to 1.5 आवर। So this is another important thing, and the most last but not the least, the most important thing is कि आप exercise करेंगे under the supervision of a proper trainer. आप कोई भी trainer hire कर लें और वो जिस तरह से आपको आपकी movements करवाते हैं आप उस तरह से move करें। Another important thing is कि आप कोई भी exercise करें, your movement should be very smooth. जर्की मूवमेंट्स के साथ आपने नहीं करनी है कोई भी एक्सरसाइज, और कोई भी एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यू डोंट हैव टू फोर्स योर बॉडी टू डू इट, क्योंकि यू ऑलवेज हैव टू लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है उस एक्सरसाइज को, तो यू इमीडिएटली हैव टू टेल योर ट्रेनर दैट यू कैन नॉट डू इट, और आप उसको फौरन कट डाउन करें अपनी एक्सरसाइजेज में से, और ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करें, कोई चीज़ आपने फोर्स नहीं करनी है अपनी बॉडी के ऊपर, जो चीज़ आप इजिली कम्फर्टेबली कर सकते हैं आप वही करें। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी रिदमिक मूवमेंट्स होनी चाहिए, जर्की मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी मूविंग वेरी स्मूथली, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। सही, जर्क नहीं होना चाहिए और बहुत स्मूथली, यानी कि एक स्मूथ मूवमेंट आपको अपनी बॉडी को देना है ताकि आपके मसल्स जो हैं फ्लेक्सिबल हो सकें। अच्छा, अब कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो कि शामिल करनी चाहिए? वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक एक्सरसाइज इज सिंपल वॉक। बेशक वो एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इट्स वेरी एडवाइजेबल और इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। इससे आपकी पूरी बॉडी टोन अप हो जाती है, कोई प्रेगनेंट हो नॉन प्रेगनेंट हो, मेल फीमेल, इज इक्वली गुड फॉर एवरी वन। उतना वॉक करें जितना आप कर सकते हैं, डोंट फोर्स योर बॉडी टू डू इट मोर देन यू कैन डू। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, अगर आपको स्विमिंग आती है, इफ़ यू आर ऑलरेडी अ स्विमर, तो प्लीज डोंट स्टॉप स्विमिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज।
ठीक है, स्विमिंग बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. और देन यू हैव योगा, योगा कर सकते हैं आप. अगर आप पहले से करते हैं तो यू कैन कंटिन्यू विद योर योगा मूव्स, और आप एक कोई किसी ट्रेनर के अंडर सुपरविजन करेंगे तो वो आपको मजीद गाइड कर सकता है कि आपको कौन सी योगा की पोजीशंस प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. पिलाटेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसमें आपकी मसल्स को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और बहुत ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की जॉइंट्स की इंक्रीज होती है. सही. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज. और कुछ लोग अगर इफ दे आर फैन ऑफ डांसिंग तो व्हाई नॉट, आई मीन डांसिंग इज अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज, तो आप वो भी कर सकते हैं. दीज आर द बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड नाउ वील कम टू सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो कि सिर्फ आपको प्रेगनेंसी में करनी चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आप ये एक्सरसाइजेस करनी प्रैक्टिस करें, और फिर इनके जितनी दफा आप करते हैं सेट्स, इन सेट्स ऑफ 3, इन सेट्स ऑफ 5, इस तरह इंक्रीज करते करते इन सेट्स ऑफ 10, इन सेट्स ऑफ 20, 25, जहां तक आप ले जा सकते हैं इसको टर्म तक, वहां तक आपको आप ले जा सकते हैं, वहां तक आपको ले जाना चाहिए. सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. तो इसमें सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पोस्चर. अगर आपका पोस्चर सही है एंड इफ यू कीप योर पोस्चर स्ट्रेट तो हाफ द बैटल इज वन. उसके बाद आप जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं वो ये होती है कि आप अगेंस्ट द वॉल खड़े हो जाएं और आप अपना वेट जो है वो वॉल पे डालें इंस्टेड ऑफ योर लेग्स. आपके लेग्स पे और आपकी नी जॉइंट्स पे आपका वेट नहीं होना चाहिए, आपका सारा वेट जो है वो वॉल पे होना चाहिए. पुट योर हैंड्स, आपके पीछे होने चाहिए हाथ, और हाथों को वॉल के अगेंस्ट रखें. और फोर टू फाइव मिनट्स तक आप इसी पोजीशन में खड़े रहें, और कम से कम दिन में 3 बार आप ये प्रैक्टिस करें. और उसके बाद आप वॉक करना शुरू करें. वॉक आप ऐसे करें जिस पोजीशन में आप खड़े हुए थे आप उसी पोजीशन में, जैसे कि वो वॉल आपके साथ साथ चल रही हो, उसी पोजीशन में आप वॉक करें. और जितना कर सकते हैं उतना करें, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है बॉडी को वॉक करने के लिए भी. और एटलीस्ट डू इट 2 to 3 times a day. देन आपकी सर्वाइकल ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस आ जाती है जो कि नेक का एरिया है. नेक के ग्रुप की एक्सरसाइजेस हैं जिसमें चिन डाउन चिन अप, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज वेरी सिंपल लाइक दिस. ये चिन डाउन देन चिन अप, चिन डाउन चिन अप देन लेफ्ट राइट. ठीक सर, ये आपकी चिन की सर्वाइकल ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस हो गई. देन यू कम टू द श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज. श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स इज अगेन जो कि एक बहुत सबको पता है, श्रगिंग ऐसे करते हैं. दिस सपोर्ट्स योर ब्रेस्ट के पीछे जो मसल्स होते हैं उसको सपोर्ट करता है, आपका अपर बैक के जो मसल्स होते हैं उसको सपोर्ट करती है ये. तो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज. फिर पेक्टोरालिस ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें आपके डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं. आप अपने एल्बोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके, और ये आपका फ्रंट का जो पेक्टोरल ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं उसकी एक्सरसाइजेस होती हैं. जैसे अनदर एक्सरसाइज इन अ स्टैंडिंग पोजिशन इज कि आप अपने दोनों हाथ वॉल पे प्रेस करके और बिल्कुल स्ट्रेट, आपके नीज बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, और आपको यूं पुश करना है अपने पूरी फुल बॉडी को पुश करना है. आपको अपने हैंड्स जो है वो स्टिल रखने हैं और आपको अपनी पूरी बॉडी पे बॉडी को टू एंड फ्रो पुश करना है. इसकी भी आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, वो आप देख सकते हैं. एंड देन देयर इज अ कैट एंड कैमल पोजिशन. कैट एंड कैमल पोजिशन सिंपली ये होती है कि आपका जो भी मैट होता है आप मैट एक रख लें, जैसे एक्सरसाइज करने के लिए मैट्स होते हैं, उस पर आप अपने नीज और अपने हैंड्स पे, जैसे एक कैट होती है जैसे फोर उसके वो होते हैं लिम्स, उन पे आप आ जाए उस पोजिशन में आके, और फिर आप करेंगे कैट स्ट्रेच. कैट स्ट्रेच मीन्स कि आपको अपनी गर्दन ये ऊपर की तरफ लेके जानी है, जैसे कि एक बिल्ली होती है, जब आप बिल्ली की तरफ देखते हैं तो बिल्ली ये ऊपर करके देखती है, तो इसको हम कहते हैं कैट स्ट्रेच. और फिर अपनी यही गर्दन आपको नीचे की तरफ लेके जानी है कि आप अपने बेली बटन को देख सकें, आप अपने इसको कहते हैं कैमल स्ट्रेच. सो दिस इज ऑल टूगेदर कैट एंड कैमल स्ट्रेच. इसको आप 5 के सेट्स में कर सकते हैं, 10 के सेट्स में कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू इंक्रीज.
उसके बाद आपके पास आता है वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइजेस होती है जिसमें आप खड़े हो जाते हैं विद योर लेग्स अपार्ट, सेपरेट करेंगे आप अपनी लेग्स को और उसमें आप अपनी पूरी बॉडी का वेट एक लेग पे डालने की कोशिश करेंगे लेफ्ट साइड पे, फिर उसी कंडीशन में आप खड़े रहेंगे फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स एंड देन राइट लेग पे आप वेट डालेंगे और फिर उसी पोजीशन में आप खड़े रहेंगे फॉर अनदर 5 मिनट्स। इसी तरह से अल्टरनेट आप अपने वेट शिफ्ट करते रहें, ये वहां बहुत यूजफुल होती है। कभी आपको बहुत ज्यादा देर तक खड़ा होना हो अगर तो आप अपना वेट शिफ्ट करें इस तरह से ताकि दोनों लेग्स पे एक जितना वेट नहीं है। सो वेट पोजीशन में जैसे आप खड़े हुए थे सेपरेट करके लेग को, उसी पोजीशन में आपने अपनी दोनों लेग्स तो एक साथ नहीं कर सकते ऑफकोर्स, वन बाय वन पहले एक लेग और फिर दूसरी लेग को टू एंड फ्रो स्विंग करना है। स्विंगिंग मूवमेंट्स ऑफ टू एंड फ्रो पहले करनी है और फिर साइडवेज मूव करेंगे आप अपनी लेग्स को, पहले एक लेग के साथ करेंगे फिर दूसरी लेग के साथ करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है लाइक अ पेंडुलम यू नो, इस तरह से आप करेंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार कर सकते हैं इजीली उतनी बार आप करेंगे। सही। अदर ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज इज द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड कीगल एक्सरसाइजेस। इसमें ये होता है कि इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके आपको नहीं बता सकते, ये मैं सिर्फ आपको, ये इस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे आप अपने पेल्विक यानी जो आपके पेल्विस का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है पेरिनियम का, जैसे आप वॉइड करने जाते हैं जैसे यूरिन पास करने जाते हैं तो आप उसको लूज छोड़ते हैं, तो आपको बिल्कुल उसी तरह से लूज छोड़ना है और उसके बाद आपने उस कंडीशन जैसे आप अपना यूरिन रोकने की कोशिश करते हैं, आप जब उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो आप अपने मसल्स को टाइट करते हैं, आप अपने मसल्स को टाइट करें और 5 मिनट तक उनको टाइट रखें, फिर लूज करें, फिर टाइट करें, फिर लूज करें, जितनी बार कर सकते हैं कंफर्टेबली उतनी बार करें। ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि ये आपको जब आप लेबर में जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है, ये आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उनको डेवलप करेंगी, उनको स्ट्रांग करेंगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेंगी, उनको टोन अप करेंगी। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज। ये तमाम एक्सरसाइजेज आपने जानी है और डॉक्टर हिना ने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि किस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा, और साथ साथ जो एक बहुत अहम और कहना चाहिए कि जरूरी बात थी वो ये थी कि आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ ये काम करें ताकि वो आपको हेल्प कर सके, अकेले अकेले मत कर लीजिएगा। इसमें ये होता है कि कुछ पॉस्चर्स ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से ना कर पाए और आपको फायदे के बजाय नुकसान हो जाए, तो बेहतर ये होता है कि किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए। इसका पार्ट 3 भी आप देखेंगे जिसमें हम मजीद बातें शेयर करेंगे एक्सरसाइज के हवाले से, लेकिन आज का वीलॉग हमारा यहीं पर एंड हो रहा है। तो शिकायत यास्मीन को और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाजत, पहले मैं थैंक यू तो कह रही हूँ, थैंक यू सो मच। चलिए जी, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है, तो शिकायत यास्मीन को और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे नए वीलॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।